यार आपने पता का पवन यार, किस्मत ही खराब है। ये देखो इतनी बारिश आ गई, देखो इतना सारा बर्फ गिरा है ऊपर से। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के एक नए व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो मैं 4-5 दिन के लिए घर गया था, वापस आ गया हूँ और आज हम वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। मैं रुका था कटरा से 6 किलोमीटर आगे एक मंदिर में, तो वहाँ से हम वापस जा रहे हैं कटरा में और ट्रैकिंग चालू करके माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो साइकिल लेके जा रहा हूँ अभी, क्योंकि 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा और रात को लेट हो जाएगा तो वापस भी आना पड़ेगा। और सामान तो सारा रख दिया था, थोड़ा कुछ एक जैकेट और पानी बोतल वगैरह एक बैग ले लिया हूँ। तो अभी चलते हैं आगे धीरे धीरे और अभी हम जा रहे हैं कटरा साइड। तो ये यहाँ पर यात्रा पर्ची है, यहाँ से रजिस्टर करवाना पड़ता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, जस्ट बस डेपो के पास भी है। अभी हम यात्रा पर्ची लेके बाहर आ गए हैं और ये देख सकते हैं सामने कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लगभग 3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद में पर्ची मिली, अभी हम जा रहे हैं आगे। जब ये पहला पड़ाव आया है बाणगंगा, यहाँ पर चेक पॉइंट है, यहाँ पर हमारा सारा सामान और रजिस्टर कार्ड चेक हो गए। तो अभी वापस लाइन में लगते हैं। अभी यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक नया वाला है ये नीचे से होके जाता है और ये पुराना वाला ऊपर से। ये खा रहे खाना, ये 80 रुपये प्लेट है। तो ये रास्ते में शरण पादुका मंदिर आया हुआ है, यहाँ पर माता दी का शरण पादुका के चिन्ह है। तो हम दर्शन करने जाते हैं अंदर, फिर जाएंगे आगे। यार पुराना रास्ता ले लिया तो ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि घोड़े वगैरह ये फिर चलते हैं ज़्यादातर। तो जा रहे धीरे धीरे ऐसे। कटरा सिटी का कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है, देखो इतना ऊपर से, ये देखो पूरा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे बिल्डिंग वगैरह घर। और ये ब्लू कलर के है ना, ये रास्ते का रास्ता ऐसा है घुमावदार पूरा। तो अभी हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है, कोई बात नहीं, 4-5 घंटे लगे आने में ऊपर, अभी और 3 किलोमीटर बाकी है। पहले ये साइड में चढ़ाई ज़्यादा थी तो अभी नया रास्ता मैं ले लिया और यहाँ पर भजन चल रहे हैं तो इतना थकान महसूस नहीं होती है। धीरे धीरे अभी जा रहे हैं आगे क्योंकि आराम से दर्शन करके वापस नीचे भी आना है 15-16 किलोमीटर। ये रहा आपने माता का भवन, वैष्णो देवी माता मंदिर, पहुँच गए अभी, बारिश चालू हो गई है। तो आ गई बारिश, दर्शन लगभग खतरनाक बारिश और हवा तेज आ रही है। यार किस्मत ही खराब है, ये देखो इतनी बारिश आ गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, 1 घंटे से हो रही है। और ये सामने अपनी माता का दर्शन भी करना है। ये देखो पूरा बर्फ गिर गया है, ये देखो इतना सारा बर्फ गिरा है ऊपर से। तो गाइस अभी हम दर्शन करके माता वैष्णो देवी जी के और भैरव बाबा के दर्शन करके वापिस नीचे आ चुके हैं। दोस्तों मैंने वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही मुश्किल के बाद दर्शन हुए हैं क्योंकि बारिश आ गई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जमा कि पूछो मत, यह हालत ख़राब हो गई थी, रुकने का भी जगह नहीं मिल रही थी। फिर भी दर्शन करके निकले, पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन करने पड़ते, फिर भैरव बाबा के दर्शन करके फिर नीचे आए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे और अब की बार हमने दूसरा रास्ता लिया है, पहले वाला जो पुराना था उसमें क्या घोड़े कच्चर वगैरह चलते रहते ना, और ऊपर से बारिश हुई तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया होगा क्योंकि वहाँ पर गोबर वगैरह करते हैं ना घोड़े वगैरह, तो उसकी वजह से कीचड़ हो गया था। हम दूसरे रास्ते से लिया हूँ, वैष्णो देवी गया था वो पुराना रास्ता था इसलिए वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, वो चंद्र पादुका होके जाता था रास्ता। और ये नया रास्ता है, ये ताराकोट होके आता है, तो इसमें ये नया नया बनाया है तो इसमें घोड़े कच्चर वगैरह अलाउड नहीं है, खाली लोग ही चलते हैं, वो भी थोड़े कम कम चलते हैं, ज़्यादा किसी को पता नहीं है इस रास्ते के बारे में। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कितना 7 किलोमीटर कवर कर लिया है, 8 किलोमीटर और बाकी है, फिर उसके बाद हम हमारी साइकिल पड़ी है वहाँ से फिर आगे जाएंगे। वैष्णो देवी ऊपर गया राइट साइड से था और आया लेफ्ट साइड से नीचे।